जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के बीच मुकाबला चल रहा है, जिम्बाब्वे बैटिंग कर रही है और जहां से जिम्बाब्वे को टेक ऑफ करना था वहां से जिम्बाब्वे कोलैप्स कर गई। वो जो 6 बॉल और 4 विकेट जो बीच में दो शादाब के, दो वसीम के और बीच में दो डॉट बॉल्स, और वहां से जिम्बाब्वे मतलब बहुत पीछे छूट गई और 130 ये पहुंच गए किसी तरह, क्योंकि 7 विकेट उसी वक्त हो गए तो उसका लग रहा था अब ये ऑल आउट हो सकते हैं। 9700 भी नहीं आए थे बट मतलब वही ना, हम लोग जो अनुमान लगा रहे थे कि 155, 160, 165 अगर थोड़ा सा भी अच्छा खेलते तो शायद 160 के ऊपर ही रहते हैं लोग। पार्टनरशिप उस तरीके से हुई नहीं, आई थिंक जो थोड़ा सा इनने गलती करी वो ये है कि विकेटें जब गिरी इनकी आप पार्टनरशिप के रूप में एक थोड़ा सा वो लग रहा था कि जब शॉन विलियम्स और रजा ने एक ओवर में अटैक किया शायद एक दो बाउंड्रीज मारे तो लगा कि क्या ये वो पार्टनरशिप होगी जो थोड़ा सा जो है गेम हमें लगा कि अब जिम्बाब्वे की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसके अलावा बहुत ज्यादा सिचुएशन में शुरुआत में जो उन्होंने खेला 4 ओवर तकरीबन कह सकते हैं शुरुआत के 4 ओवर लग रहे थे कि यार जिम्बाब्वे ने बहुत अच्छी स्टार्ट कर दी, बट उसके बाद देखोगे तो कुछ है नहीं उनके पास देखने के लिए। और उसमें फिर आज देखो फर्क डाला जो हारिस राउफ वहां पर आए थे बॉल से और उसके बाद सडनली देखा कि चीजें डिफरेंट हो गई। शादाब को देखो नवाज से आज उन्होंने बॉल ही नहीं करवाया मेरे ख्याल से, सबसे बड़ा चीज तो यही हो गया है वसीम जूनियर को खिला लेना क्योंकि वो 4 विकेट ले गए, शादाब ने 2 विकेट लिए उसके बाद दो, और सबसे बड़ी बात है जो आई थिंक पावर प्ले में 2 ओवर हो गए थे तीसरा ओवर उसके बाद भी जब वसीम का ओवर आया था उस ओवर में शायद 1 विकेट ले गए थे जी, है ना। तो आई थिंक सबसे बड़ा डिफरेंस तो आई थिंक आज वसीम जूनियर ने क्रिएट कर दिया नहीं, बट आई थिंक यार देखो हारिस रऊफ ने जब वो ओवर डालने आए और उसके आई थिंक मतलब हारिस रऊफ का डिसाइसिव रहा, हारिस रऊफ ने पहली विकेट मतलब जो लग रहा था कि बॉलिंग ऑर्डिनरी सी हो रही है, उन्होंने हारिस रऊफ ने बोले कि भाई इतने भी ऑर्डिनरी नहीं है आपने, ठीक है मार दिया ऊपर ही कर दिया। अब ये आज की डेट में अगर इनकी बॉलिंग लाइनअप उठाओगे जब से शाहीन लौट के आए हैं, हारिस को भी बोलोगे कि यार ये बंदा अच्छा कर रहा है लगातार, और अब आई थिंक पेस अटैक को जो कहते हैं एक लीड वाला जो काम है इस पेस अटैक को, क्योंकि नसीम नया है, शहीन इंजरी से लौटा है, तो आप हारिस का नाम दे रहे थे और हारिस का इसलिए भी दे रहे क्योंकि उन्होंने खेला हुआ है बिग बैश में अच्छा करके दिखाया। और ये भी है ना कि अगर हारिस की परफॉर्मेंस देखे ऊपर वो पिट गए थे मतलब कि शहीन को लोग बोलेंगे कि इंजरी वाली बात है, नसीम का भी वैसे रहता था, फिर बोलते भाई हाँ भाई हारिस राव बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ये हो गया हो गया, बट आज उनकी गेंदबाजी थी और उन्हीं का स्पेल भी था और उनका ओवर जब आया तब उसके बाद लगा कि हाँ भाई कुछ है मतलब कि बॉलिंग में चीजें हल्की ओवर से बाद उन्होंने डराना शुरू किया। यस उसके पहले तो भाई वो 4 डॉट 15 डॉट किए भैया 24 में से जिम्बाब्वे पता चल खेल रही है। और वो यार वो कॉन्फिडेंस देखो जो बाबर के हाथ में बॉल गई क्योंकि वो बॉल पे भी जो विकेट आया और वो मतलब कैच ऐसा था कि यार मतलब तारीफ के काबिल कैच है क्योंकि हफ्ते से ऐसा चपक मतलब हारिस रऊफ का आपको लगता है कि जो कंट्रोल एग्रेशन है ना उसका बेस्ट एग्जांपल आपको जो दिखता है ना कि एक्सट्रीम पेस शॉन टेट जो उनके कोच भी है वहां पर कोचिंग स्टाफ में भी है आप उनको भी देखते थे 150, 155 इसमें वही है कि हारिस की मतलब यार इसलिए भी तारीफ वाली चीज लगती भी है और बनती भी है क्योंकि वो जब आए थे एक बहुत ही रॉ टाइप प्रोडक्ट थे या फिर बिग बैश वगैरह खेले थे उनको बुलाया बट उन्होंने जैसे थोड़ा सा दिमाग के साथ जो हम कहते हैं कि फास्ट बॉलिंग और अग्रेशन बट वो मैच्योरिटी जो लाए कि भाई बॉलिंग प्लान ठीक है कभी कभी हमें लगता है कि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बड़े बॉल बोल दे रहे हैं बट वो अपना उनका कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे एरियाज पर अगर मैं बॉल डालूंगा तो थोड़ी दिक्कत रहेगी ये है वो बैक करते हैं वो ठीक है उसकी स्लो में एक्यूरेसी आप देख रहे हो इतने अलग अलग बोलर्स देखे आपने तो यही लग रहा है कि भाई ये थोड़ा सा स्टैंड आउट कर रहे हैं नो डाउट नो डाउट। पिटने को तो मतलब कोई भी पिट जाता है नहीं पिटेगा उस दिन विराट कोहली ने मारे जो 2 छक्के उन्होंने मैच और स्पेल और गेम ही चेंज कर दिया वरना शायद हो सकता है उस दिन बात ही हारिस रऊफ की होती जितने हमने विराट की बात करी बट ये है कि आज उनका जैसे शॉन टेट का भी आपने जिक्र किया तो शायद वो एक वीडियो आईसीसी ने डाला था जिसमें हारिस रऊफ पूछते हैं कि पर्थ का विकेट कैसा रहेगा किस तरीके से रहेगा उनका विकेट तो उन्हें बोलते हैं कि विकेट तो रहता है वहां बट डोंट गेट कैरीड अवे टॉप ऑफ ऑफ वो शॉन टेट उनको बोलते हैं कि भाई वहां पर ऐसा नहीं कि विकेट देखकर आपने बड़ा ज्यादा कैरीड अवे हो जाना है तो शायद वो जो ऑस्ट्रेलियन इनपुट्स इनको मिलते हैं मैथ्यू हेडन शॉन टेट वो सारी की सारी चीजें लेकिन ज्यादा निराश जो है जिम्बाब्वे को जैसी स्टार्ट मिल गई थी उसी मतलब फैसले के दौरान वो उनका जो रिव्यू भी है आई थिंक वो भी एक बहुत तो अहम बहुत रिव्यू था वहां से वही से चीजें पलटी बदली सारी चीजें जो और शादाब ने भी यार जो बीच में रोल प्ले किया क्योंकि 2 विकेट जो वहां पे निकाले लेकिन मैं ये जो शॉट इन्होंने खेली आई थिंक विलियम्स का ये विकेट था जो बढ़िया 2 चौके इन्होंने लगा दिए थे उसके बाद ये शॉट बनती थी वहां पे अगर आप उस तरीके से वो अक्सर देखिए मतलब पिछले वाले एक पारी इनकी अच्छी आई थी उसमें भी लगातार यार देखो विलियम्स के साथ प्रॉब्लम वही जो हम उस टाइम में बात करते कि शॉट बड़ी खेली है अगर आप उनकी पूरी पारी देखोगे आपने शॉट बड़ी खेली बट आपने क्या खेला शायद 34 बॉल पर 36 रन
तो वो है कि भाई आप इतने एडवेंचरस होकर, इतने एम्बिशियस होकर जो आपने लगातार शॉट्स मारे, बट उसका कुछ उस तरीके से जो वो नहीं कह सकते कि हम ट्रूली वो रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके स्कोर लाइन पर। और इनके लिए ये भी बात करें कि भाई ये इनके लाइनअप में मतलब कि मुख्य जो आप बोलोगे ना कि भूमिका निभाने वाले वो हैं। भाई एरवाइन ने फिर भी एक मैच में दे दिया है जिसमें उन्होंने हाफ सेंचुरी करी थी, एंकर टाइप इनिंग्स खेली, ठीक है आखिर में आउट होते, उस पर भी हमने कहा कि इनको नॉट आउट जाना था। सिकंदर रजा वो लगातार आपके लिए कर रहे हैं, तो विलियम्स को भी थोड़ा सा जिम्मेदारी से खेलना चाहिए, इससे तो मच बेटर वो बल्लेबाज हैं जो आपने अभी तक देखे हैं। तो वो एक पार्टनरशिप ही तो लगानी थी, अभी भी जो है यार 130 पहुंचे हैं, एक अच्छी पार्टनरशिप पर ही 150 पार होते, यहाँ पर बात होती है यार कि विकेट में थोड़ा सा अगर इनके बोले सप्लाई करें, स्टेज तो भी सेट थी ना इन बैटर्स के लिए, 95/3 थे आपके, तो वहां से आपको कैपिटलाइज करना था। आप 14 ओवर में 95 पर थे, हम लोग बात करते कि वहीं से 50 रन चाहिए, पर वो जो 95/7 दिखा दी थी कि सारी चीजें मतलब रख के मारा था उन्होंने, बोला कि भैया अब जिम्बाब्वे इस तरह मार रहा है जी, यार आप सोचते हो कई बार ऐसा, 4-5 ओवर तक तो मतलब तब तक भी है, लेकिन हरीश राव जो उनके बेस्ट बॉलर्स रहे हैं, हरीश राव और इनके भी वसीम का इनका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, उसके बाद तो आपने देखा गेम कहीं गया है। लेकिन नसीम और शहीन को भी यार जिस तरीके से देखो, उनकी ना बोलिंग देख के बड़ा डर लगता है ना शदाब की, बट वो कंसिस्टेंट और जिस तरीके से परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, मतलब अपनी लिमिटेशंस में रहकर बॉल करते हैं और लगातार, मतलब ये कमी आपको एक आधे मैच मेरे ख्याल से एशिया कप से लेकर एक गेम शायद थी कोई न्यूजीलैंड में रही थी या फिर वो इंग्लैंड वाली सीरीज में जहां पर थोड़ी सी उनकी पिटाई लगी, अदरवाइज शदाब का भी है कि जैसे आप बोलोगे कि कोई भी स्पिनर में बोले कि भाई फेस किसको करना, शायद आप नाम बोलोगे यार के शदाब, बट उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है, अंडररेटेड स्पिनर है, विद द बैट और विद द फील्ड भी, क्योंकि फील्ड में भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान कमजोर है, बॉलिंग में तो ऐसा लगता था कि शदाब मतलब कि यार कि ठीक है एक पार्ट ओवर निकलवा दिए बीच में फिलर के रूप में, बट अब उन्होंने मतलब यार अपनी मतलब वो तो भैया जबरदस्त करने लग गए, ताकत बन गई भाई, अब तो बॉलिंग अच्छी करी है, बट जिम्बाब्वे को थोड़ा सा ही देखना चाहिए आज की, वो आज बहुत अच्छी पोजीशन में थे जिस तरीके की उनको ओपनिंग स्टार्ट मिल गई थी, पर्टिकुलरली आपने यार मजबूर कर दिया कि शहीन को आप एक ओवर के बाद बदल दो, आपने ये सब फोर्स किया ना कि जो शहीन को बोलते हैं कि न्यू बॉल से तो सबसे थ्रेटनिंग कौन है इनकी टीम में, सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग अगर शहीन, ठीक है जैसे मर्जी आप खिला रहे हो, उनकी फिटनेस है नहीं है वो सारी चीजें हटा दो, शहीन है ना उनके प्रीमियर स्ट्राइक बोलर, आपने ऐसी बैटिंग करी कि पहले ओवर के बाद आपको बोलना पड़ेगा कि नहीं भाई शहीन को हटा देते हैं, दूसरा ओवर भी ठीक आया है आपके, तीसरे ओवर भी ठीक आए मामले, मतलब कि बहुत ज्यादा आप वो नहीं चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, बट उसके बाद आपने मोमेंटम ऐसा लूज किया, वो दो विकेटें भी बैक टू बैक ओवर्स में आए थे, जबकि आपने विकेट गुच्छों में गवाई है, फिर भी आपने कवर कर लिया था 14 ओवर में, अगर आप देखें पिछले में याद आ रहा है जो बारिश में धुल गया था जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका वाला गेम में, आई थिंक 100 रन पे कुछ उन्होंने बना पाए थे उस दिन, और उस दिन ये हो रहा था कि चलो बीच में गेम रुक रहा था, बॉल गीली थी, बहुत सारी चीजें थी, आप रन्स नहीं बना पाए साउथ अफ्रीका के अटैक के सामने, और उस दिन भी ये हुआ कि ऊपर से तो ये 4 आउट हो गए थे, उस दिन भी रन नीचे मडेविरा और आई थिंक वो थे जो शुम्बा उनके साथ थे, उन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी, हाफ सेंचुरी स्टैंड उनका था, और आज मदेवेरी उसी कॉन्फिडेंस से ऊपर भी आए, शॉट इतनी प्यारी प्यारी खेली यार, एक उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव खेली, एक कवर्स में खेला, एक कट मारा, तो कॉन्फिडेंट शॉट्स और प्रॉपर जो जिसे कहते हैं कि टच प्लेयर, वो आपको नजर आ रहा था कि टच प्लस वो बड़े अच्छे रनिंग बिटवीन द विकेट भी कर रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, लेकिन फिर वही है कि आप अच्छी पोजीशंस में आकर एडवांटेज दूसरी टीम को दे दो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता, 150 से ऊपर होता तो शायद फिर भी लगता कुछ फाइट, एक साइकोलॉजिकली आपके पास रहता है कि फाइटिंग टोटल है यार, हम फाइट कर सकते हैं 130 पे, आप इस विकेट पे फाइट करना, और अब ये है ना कि 130 टाइप टोटल जिसमें हम बात करते हैं कि बाबर और रिजवान ये है वो, उसमें तो वो बोलेंगे भाई अपना तरीका चलना इस मेथड में, तो इसमें पूरा खेल क्या हो करना ही नहीं, आराम तो आराम आराम, लेकिन बहुत ज्यादा मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे मैनेजमेंट का जो कॉल है, कभी कभार आप होते हैं ना कि एक फ्रस्ट्रेशन में कॉल ले लेते हैं, आसिफ नहीं कर रहा बाहर करो, एक हम कोई और लाते हैं, इसके पीछे एक मेथड था, उनके इंक्लूजन से आपको क्या लगा कि यार ये बेहतरीन उनकी तरफ से कॉल और एक आपको इंस्पायर ही करेगा आगे आने वाले मैच, जब ये लगातार खेले तो उनके लाइनअप में खेलते खुशदिल आपके इफ्तिकार और आसिफ अली, तो तब भी हम यही कह रहे थे कि भाई कि खुशदिल को आप बाहर कर सकते हो, एक बोलिंग ऑप्शन उसमें हमने जरूर ये पॉइंट कहा था कि जो एक बैट के साथ ही विकल्प है, जैसे उधर जमाल खेले थे इनके उधर वहां पर, बट ठीक है अगर ये थोड़ा सा बैटिंग से कॉम्प्रोमाइज ही करें और ये मानकर चलने की यार कि 3 मिलाकर 2 ही देने, अब रोल्स बदल गए, वहां पर खुशदिल वाली जगह पर एक तरीके से आपके हैदर अली आ गए और हैदर अली के साथ आसिफ अली, तो शायद कमजोर कड़ी है वो आसिफ अली वाली पड़ रही है उनके साथ कि जो कुछ कर नहीं रहे, जैसे खुशदिल उस टाइम पे पड़ गए थे कि कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ रही उनकी, तो आपने वो कॉल लिया तो आई डोंट थिंक बहुत ज्यादा बुरी कॉल है, क्योंकि बैटिंग से तो कुछ मिल ही नहीं रहा था आपको
और बैटिंग से एटलीस्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगी। बट हाँ, अगर इनके पास कोई ऑप्शन ऐसी रहती जो आप थोड़ा सा बैट पर भी बैट आपको थोड़ा सा, इनके पास यार देखो ऐसी भी नहीं है कोई अभी तक, देखो किसी दिन कोई छक्का मार देगा, नसीम शाह ने मारा है, हारिस रऊफ ने मारा है, दहानी ने भी मारा है, सब कुछ है। बट सपोज इनके पास कोई विकल्प रहती, सपोज हर्षल पटेल टाइप की, कि मतलब जो बैट से हर्षल जैसी चीज आपको लगेगी मिल सकती है, अश्विन जैसी भी चीज, बट ये इवॉल्व कर रहे हैं ना आप, अगर शहीन शाह की बैटिंग देखें और ये इवन वसीम जूनियर की बैटिंग देखें, वो भी आपको हैंडी थोड़े से कर देते हैं, हैंडी चीजें, बट एक थोड़ा जो, क्योंकि इनकी यार बैटिंग एश्योरिटी, यस, वो इनकी बैटिंग में वो नहीं आता, प्रॉब्लम है ना हर्षल डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने ऊपर बैटिंग करते हैं, उसका एक अलग इंपैक्ट पड़ता है कि वो डोमेस्टिक, अब इनके तो ये प्रॉपर बॉलर है, बट ये फिर भी वो करेज दिखा, क्योंकि अभी है ना कि आज भी अगर दो आउट हो जाते हैं, सपोज मैं कह रहा हूँ बाबर और रिजवान आउट हो, आज दोबारा हम सब बोलेंगे भाई ये मैच यहाँ से हार सकते हैं, इनकी बॉलिंग जो बैटर्स हैं ठीक है, आप किसको भरोसा करते हो, नवाज, शदाब, यही कहते हो, यार ये वही वाला स्कोर है ना, आई थिंक एशिया कप में 130 ही बनाए थे अफगानिस्तान, इनको इस वजह से मतलब बाकी ये बॉलिंग ऑप्शन लाए वो कोई गलत नहीं है, बट इनके पास कोई था भी नहीं ऐसा बंदा जो मतलब जो आप बोले कि हाँ भाई बैट से, किसी और नाम को आप बोलते कि यार ये बैट से ना ये थोड़ा बेहतर कर सकता है, वो चीज सुनिए, चार ओवर राशिद खान के बड़े क्रूशियल थे उस दिन, वही तो आज यहाँ पे इनको करना है, अगर दो तीन खड़का दिए क्योंकि ऐसे टोटल भाई ट्रिकी से रहते हैं 20-30 में थोड़ा, आई थिंक ये पूरा ये तो थोड़ा सा ज्यादा ही बिल्कुल, देखो नहीं अगर आपने देखो जो वही बात है ना, देखो बाबर रिजवान को अगर आपने ले गए शुरुआत में, जो सपोज बाबर को लेकर जो बात चल रही है एक बढ़िया मतलब की आज चाहे टाइम ले लें, कॉन्फिडेंट देखियो, नॉट आउट, पर ये जरूर सोचना चाहिए पाकिस्तान को कि अगर जीतना है, कई बार एक होता है बैक कि यार आज अगर हम ये थोड़ा और जल्दी चेस कर जाएं, क्योंकि नेट रन रेट का फायदा होगा और आप टूर्नामेंट ऐसा खेलो जहां पे आपके लिए क्या पता पॉइंट का फर्क में, देखो वही सोचेंगे कि हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप जिस तरीके से चलती है वैसे ही लगा दें, फिर वन डाउन पर अगर हमें जरूरत पड़ती है, हमें लगता है कि हम बहुत क्लोज आ गए, रह रहे कुछ 30-40 रन किसी को भेजो और भाई मार मोर के खत्म कर दो जी, तो वो उस तरीके से, तो जैसे भैया ने कहा भी धीरज भाई ने कि एनआरआर, आई थिंक जो साउथ अफ्रीका का एक मैच वो हो गया ना थोड़ा सा अबैंडन, उसकी वजह से वो एनआरआर वाला सिनेरियो निकल गया इस ग्रुप से, अगर आप इन तीनों टीम्स को देखें, क्योंकि आपका आपस में आगे को नहीं पता, हाँ ये है कि 1-2 में आपको हो सकती है, आगे कौन सा मैच आपका रह गया, कौन सा छूट गया, किस पे बारिश, इंडिया पाकिस्तान में आपको हो सकता है, यस ये भी हो सकता है, इंडिया अफ्रीका इंडिया वाली गेम है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, और साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीका के लिहाज से, इंडिया के लिहाज से ज्यादा उतना नहीं है दिक्कत वाली चीज, बट साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की हम अगर दूसरी टक्कर देख रहे हैं, तो साउथ अफ्रीका इंडिया को अगर हरा कर आती है तो पाकिस्तान के लिए हो जाएगी मस्ट विन टाइप, कि भाई ये तो हराना है हराना है, अदरवाइज ये जा रहे हैं, Yes. क्योंकि वो तो इंडिया को जीत कर आ गए और हमें भी हरा देंगे, और इनका पॉइंट एक वहां पर जो भी है शेयर वाला उतना दिक्कत नहीं, नहीं, नहीं होगी, बाकी नेट रन रेट भी बेहतर है उनका, कैसा हो गया था 2019 वर्ल्ड कप में हो गया था, इंडिया हार गया था मैच और फिर ये रह गए थे, इनका दूसरी तरफ हो गई थी सिचुएशन, वो एमएस धोनी और शायद केदार जाधव वाला था, हाँ वो इंग्लैंड वाली गेम थी, उनको ये था इनको बहुत ही ज्यादा इक्वेशन अलग ही चली गई थी, हां कुछ अलग ही चीज हो गई थी, बॉल डलते के साथ ही हार गए थे एक बॉल, तो इधर से ब्लेसिंग ही शायद शुरुआत करेंगे, तो ब्लेसिंग मतलब लास्ट अगले मैच में पूरा पाकिस्तान इंडिया को सपोर्ट करेगा, एंगारवा बट ब्लेसिंग वर्सेस बाबर पर नजरें रहेंगी ना भाई, और उस तरीके से, और हम इसमें यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आराम से निकाल देंगे गेम उधर से, इसके लिए चाहिए शुरुआत में 2 विकेट, और 2 इन दोनों की अगर हो गई है तो फिर तो जिंदा हो जाएगा कॉन्टेस्ट एकदम से पूरा, क्योंकि भाई देखो इंग्लैंड भी 119 वाले रन चेज में अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उनकी तो विकेट भी थोड़ा लेट गिरी मेरे ख्याल से 25-30 रन, ऐसे ही भैया अगर आपको ये आप डिफेंड करते हो जब मुश्किल होते हैं, हाँ जी ये थोड़ा अरे आपको रेगुलर इंटरवल्स में विकेट्स लेनी ही पड़ेंगी, आप मतलब आप इन्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते 130 पे कि 20 ओवर हो जाए 130, वो तो नहीं, वो तो हो ही गई नहीं किसी भी हालत में, सीधी सी बात है, आज डॉट बॉल्स का भी बहुत बड़ा फर्क है जो उन्होंने डाली, रन बॉल ही बनाना है, डॉट बॉल्स बहुत डाली आज उन्होंने और वो पिक नहीं कर पा रहे थे, ये बात भी है, वो भैया शुरुआत में नहीं दिख रहा था, वो डॉट बॉल्स हो ही नहीं रही थी, कर लेते और ये तो थोड़ा और रन भी रोक लेते, वो तो कैचेस उनकी आज भी छूटी, एक इफ्तिकार से छूटी वो कैच, सिंपल टाइप थी, हैदर अली की कैच वो सिंपल, ऊपर से जो 3-3 रन दौड़ गए थ्रो आपका आ रहा है खराब है क्योंकि ग्राउंड बड़ा है, थ्रो भी आपके स्लो है, बढ़िया बॉल एंगारवा वर्सेस बाबर एंड, लेकिन यार पाकिस्तान की फील्डिंग जो देख रहा हूँ मनोज, जब इवन जो विकेट कीपर के पास जो थ्रो आ रहा है या वो आ रहा है, मतलब बड़े वैसे थ्रो आ रहा है, मतलब ये बड़े मैच में इनको बहुत कॉस्ट कर जाएगा, ऐसा लग रहा है कि यार आप जैसे हम कहते हैं कभी कभी स्कूल कॉलेज वाली क्रिकेट वैसी चीजें चल रही है, आपस में आपका फ्रेंडली सा मैच हो रहा है कि मजे में, थोड़ा सा उसमें भी सीरियसनेस चाहिए भाई आपको, देखो पिछला मैच इनको किस कैसे कॉस्ट किया है,
तीन चार रन का ही फासला था, तीन चार रन आप फील्ड में जब बचाओगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। तो वो सारी की सारी चीजें देखनी पड़ेगी, कैच जो जो छोड़ी है उस पर एक एक रन तो आया होगा, एक एक रन वो दे दे रहे हो आप, दो रन वो जा रहे हैं सिंपली, और उसमें भी उसके बाद आउटकम कभी आज किसी खिलाड़ी ने ऐसा नहीं होगा कि बदल के रख दिया मैच, बट वही खिलाड़ी लगा दे कुछ हिटें, आठ दस बॉलों में लगा दे तीन चौके या तीन छक्के, तो काफी इक्वेशन चेंज होती है। अभी हालांकि इन जो गेंदें हुई हैं उनमें थोड़ा सा गेंदबाज का ही पलड़ा उस तरीके से रहा है, क्योंकि कंट्रोल में चीजें नहीं नजर आई हैं। कितने ओवर में करना चाहिए पाकिस्तान को यहाँ से ये 130? बहुत ज्यादा भी अगर आप वक्त ले रहे हो तो भाई 17 पॉइंट समथिंग में कर देना चाहिए उस तरीके। क्या लग रहा है धीरज भाई? यार वो जब से बच गए, जिस दिन से इंग्लैंड ने धोखा दिया ना, अच्छा पकड़ा, 1900 ओवर तक ले गए थे, तब से थोड़ा ये डर लगने लगा इनके चेस में। थोड़ा आप 9 मत बोलो, थोड़ा ऊपर बोल दो। नहीं तो यार इंग्लैंड को देख के तो 9 ही बोलता आदमी पहला मैच जब खेल। पर आपको क्या लगता है मतलब पाकिस्तान कितने में चेस करेगी? मुझे लगता है कि 15 ओवर ये जाएगा, 18 ओवर तक। आप मैं करो 17 पॉइंट बहुत ज्यादा खींचेगा तो भी। प्रकाश भाई 16, मुझे भी लग रहा है कि 18वें ओवर में जाएगा। अब ये देखते हैं कि इनकी क्या ये चेज करते हैं, फिर से क्या सेंचुरी पार्टनरशिप टाइप करते हैं या फिर जो है कि आउट हो जाते हैं। अगर आउट हो गए तो यहाँ पर रोमांच ये लगा था क्या जाएगा? नहीं पर कैरी नहीं है यार। और बाबर आजम का ये कह सकते हैं कि अभी तक मतलब बहुत ज्यादा बॉलें फेस नहीं किए वर्ल्ड कप में, बट बल्ले पर बॉल ही नहीं आया अभी। वो पहले मैच है पहली बॉल में पैड पर हो गया था, इधर एक बॉल बैट पर लगा, बट बॉल अच्छी डाली अभी तक, सारी बाकी ड्राइव करी पढ़ के निकल रहा है बाहर। आखिरी बॉल पैड्स पे आया थोड़ी सी, ये बढ़िया बैट पे आया, बट नो फील्डर भी वहां पर मौजूद उतने ही। एक रन वाइड का आया है और एक वैसे आया है। इंडिया वाले मैच में शायद एक या दो रन था पहले ओवर में, एक रन, एक रन था वाइड का जो हुआ था। अभी तक बाबर आजम का ये दूसरा मैच है और पहले में तो चलो जल्दी निपट गए थे। अभी भी वो यूएई वाली इन्होंने अपना रखी है, अभी भी कुछ अलग नहीं है, आपको चेंज करना चाहिए अपनी टेक्निक को थोड़ा। पहला ओवर आप भी वही कर रहे हो जो केएल राहुल कर रहा है मतलब मैं नाम नहीं ले रहा उनका, मतलब जो हम करते हैं। ये तो क्या दिक्कत है नाम लेने में? नहीं नाम इन द सेंस की जो टारगेट नहीं करना चाहता किसी को, मतलब ये अप्रोच की बात कर रहा हूँ। नहीं इनका तो है ही वो वाला चीज, अब इनके तो जीतते ही ऐसे, ये नया नहीं है कुछ, पर ये प्रॉब्लम है जीतते ही ऐसे, जीतते ही उधर है कि हम खेल वैसा रहे, हम खेलेंगे अगर डेड विकेट पे भी ऐसे ही खेलना है, अच्छे विकेट पे भी ऐसे ही खेलना है तो फिर आप क्या बोलोगे? आप फिर वही है ना कि अब 160-170 इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि 160 से ऊपर होता तो शायद दिक्कत हो जाती है, और इस टोटल में भी अगर इनकी विकेट आ जाती है तो भी चीजें बदल सकती हैं। यूएई में तो चलो आपके पास एक बोलने को होता भाई थोड़ा स्लो विकते हैं, थोड़ा ये है इतना वो नहीं था, ये यहाँ पे भी अगर वो करोगे आप तो फिर क्या बोल रहा, क्योंकि टाइमिंग आपकी अच्छी है। ब्लेसिंग वर्सेस बाबर के लिए रेडी है, फुल टॉस नहीं देनी चाहिए यार, ये फुल टॉस को भी फील्डर सामने था, उन्होंने सिर्फ फील्डर के हाथों में खेल टॉस नहीं देनी चाहिए यार। सुनील आप रेडी हैं ब्लेसिंग वर्सेस बाबर के लिए? रिजवान ने फुल टॉस छोड़ दिया, ब्लेसिंग्स है मेरी, ब्लेसिंग्स के साथ, ब्लेसिंग के साथ ब्लेसिंग्स है यार। ऐसी फुल टॉस डालेगा मतलब ये रिजवान की बहुत बड़ी चूक है, ऐसी फुल टॉस छोड़ दी, रख के चांटा मारना चटाक मारा उन्होंने, मारा था सीधा, और भी थोड़ा सा प्लेस नहीं करे वो, मतलब शॉट उन्होंने मारा बट प्लेसमेंट नहीं थी, सीधा भी खेलते वो तैयार भी नहीं थी कि फुल टॉस आ जाएगी। बढ़िया बॉल, वेल बोल्ड, अच्छा डिसिप्लिन दिखा रहे हैं, सोचो ये रन भी होते भी और थोड़ा दबाव बन रहा होता इनकी माहौल होता, इनकी बॉलिंग वही वही देख के कह रहा था, इसीलिए तो मैंने 155 बोला। ब्लेसिंग है जी, ब्लेसिंग है। पावर प्ले का जल्दी कर लो क्योंकि दूसरे चल रहा है, ये दोनों भाई तो आउट नहीं होंगे। पावर प्ले रहेगा इनका 45-0 टाइप पावर प्ले, ये दोनों का आपस में बैटिंग करने बहुत मजा, नहीं मुझे लग रहा है कि ये रहेंगे 36, नहीं नहीं इतना तो शायद, मैं अपना बता रहा हूँ, फिर आउट भी करवाना पड़ेगा आपको किसी को, एक विकेट भी रहेगा 36 पर एक। इंडिया का पावर प्ले आज कुछ ऐसा रहा, मैच को इंटरेस्टिंग बनाने का होना चाहिए। धीरज भाई 36 पे दो, मेरा 34 पे दो, 34 पर दो। सुनील जी आपने एकदम से मुझे चीज, सुनील क्या 37 पर 3 सुनील, लेकिन इसको बोलने से कितना आपने बोला 37 पर 3 कम ऑन जिम्बाब्वे, कम ऑन जिम्बाब्वे, कम ऑन जिम्बाब्वे। आपको? मैंने, मेरे को लग रहा 45-0। मनोज बैक कर रहा है ना पाकिस्तान, नहीं उसमें मैंने 46 पर 2 दिया था, वो भी मतलब कि कोई वन साइडेड टाइप चीज नहीं दी थी, ये बिल्कुल पैड्स पे दी। अरे अरे हां सही से कनेक्ट होती तो हाथ में भी आ सकती थी। कल बेन स्टोक्स ने किया था ऐसा, थे सामने खड़े थे उनको लगा बॉल इधर जा रहा है, ऐसे हो गया फिर देखे तो बॉल इधर था, तो वो तब तक वो निकल गया बॉल।
कल फिर से बेन स्टोक्स एक्शन में होंगे, कल आज और कल इंग्लैंड यार इंग्लैंड का कुछ बेन स्टोक्स ने वो बॉल पता है बनवा दिया वैसा कि ऐसा लग रहा था क्या ही बॉल नहीं यार, लेकिन वो बॉल था भी अच्छा भाई। आप उनको खड़े हुए देखो, आप रिप्ले देखना वापस जाकर, मैंने देखा है खड़े खड़े खेल गए बॉल को, पर वो बॉल यार बॉल भी पड़ गया है यार। नहीं नहीं मैं उस बॉलर को सॉरी, बॉल थोड़ा सा अंदर आया था लेकिन उन्होंने बॉल भी ज्यादा दिखा दी, बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी। ओ यस ब्लेसिंग कैरी किया, और इन दोनों के बीच एक अच्छी राइवलरी चलती है। ब्लेसिंग वर्सेस बाबर तैयार है बीबी, आपने रिसेंट टाइम्स में देखा है इनके बड़े बैटल हुए हैं। ब्लेसिंग वर्सेस बाबर, और बाबर का तो एक जिम्बाब्वे की तरफ से एक नाम भी पढ़ रखा है नहीं, वो इनके स्टैट्स बड़े जबरदस्त हैं उनके इधर वर्सेस। वेल कैप्ट, ये एक टांग हिलाते लाते बहुत बड़ी बातें बोल जाते हो है। चकाब्वा है, वेल कैप्ट, वेल कैप्ट चकाब्वा। मुजरबानी टू बाबर। अच्छा मुजरबानी में कहीं और एक और बी होता तो उनका नाम उनके बीच में होता कहीं पर छुपा हुआ। बढ़िया बार बॉल डाला था भाई, वाह चलो दो ताली बजाना है जिम्बाब्वे को, मोटिवेशन देनी है। दो में तीन, और उधर से कितने थे, दो में 22 टाइप कुछ थे मेरे, ऐसे कुछ था पहले में 14, पहले में 14 हाँ, दूसरे में ऐसे कुछ था पहला दूसरा पहला यहीं तक तो आगे शाहीन नसीम चौथे तक सही थे वो। एक बार शाहीन नसीम तीसरा डाला था, हारिस थे चौथा डाला था, तीसरा वसीम तीन में उनके 30 थे, 31 या 32 तीसरे में वसीम आए थे, और चौथे में आगे चौथा फिर नसीम आए मेरे ख्याल से, चौथे में कम आया 36 हुए थे चार में, चौथे में फिर नसीम आए, फिर पांचवां शायद हारिस रॉफ आए थे, उन्होंने शाहीन को लेके नहीं आया था वहीं से, तो शाहीन फिर पावर प्ले के बाद आए थे, वहीं से तो दिक्कतें शुरू हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं एशेज एट इट्स पीक, इसको भी अलग एशेज का जो है रेड कॉन्टेस्ट दिया हुआ है। अब 130 रन है, दो ओवर में 3 रन, आगे हो सकता है लोग तेज खेल जाए जो भी कर जाए, पर अभी के हिसाब से देखें बढ़िया स्टार्ट भाई। देखो आपका जो टोटल कम है तो ऐसे स्टार्ट, देखो जो अफगानिस्तान आयरलैंड वाले मैचेस उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया था, डंडा उड़ गिल्ली उड़ दी जो कल का भी मैच था आयरलैंड और इंग्लैंड वाला, ऐसे उन्होंने स्टार्ट करी थी ना। रिजवान बोल रहा बाबर से मेरे को बॉल समझ में नहीं आ रहा है ये किधर जा रहा है, जबरदस्त बॉल भाई लगातार क्योंकि एंगल के साथ बाहर ही निकल रहे थे इनकी बॉलें, अच्छा बॉल था ये, और ये आया अंदर सीम से भी देखिए हवा नहीं लगी और ब्लेसिंग भी बढ़िया करके गए, ब्लेसिंग दिए उन्होंने और ये चार रन, ये कह रहे हैं भाई बहुत हो गया, थोड़ी सी ब्लेसिंग हमसे भी थोड़ा बहुत हो गया, अभी ये मजाक तब यार बैटिंग करने गए मारेंगे एक दो चौके तो, बट अभी भी देखो हावी तो बोलर्स रहे हैं 34 अगर इतने तक देखेंगे अगर तो 3 ओवर्स तक बैटिंग ऊपर थी बढ़िया शॉट ने वोटिंग ओवर में अगर आप वो डकवर्थ लगाएं तो उस हिसाब से बहुत अच्छा कंट्रोल था यार 3-3 ओवर के मैच में यार। ये भी है कभी इनके छोटी गेम होगी तो किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो भी देखना पड़ेगा, कभी हो गया बारिश के पास कोई मिलर नहीं है, इनके 6 ओवरों में ऐसे ही बने 20 रन और एकदम से बारिश आ जाए, नहीं कभी नहीं कभी अगर ऐसा इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, मैं कह रहा हूं कि भाई वो तो आप अलग सिनेरियो कह रहे हो, कभी पहले से बताओ कि भाई गेम हो गई आज 8 ओवर की तो फिर उस दिन देखना पड़ेगा कैसे अप्रोच रहे हैं, अगर अभी ऐसा होता है कि 6 ओवर में 20-25 है इनके बारिश आ जाए तो फिर तो भाई कम ऑन जिम्बाब्वे फील्डर है वही सही थी लेन मारिए, ओ ये रन आउट पूरा चांस था यहां से, तो लग जाते तो रन आउट था भाई, ये तो डंडे भी दिखते हैं यहां से। अरे यार बाबर का रिजवान का वही था यार रिजवान का वो तो ये हो चुका है, असली भी करते नकली भी करते, मतलब कैरेक्टर है बढ़िया है आपको चाहिए होते पर ये थोड़ा अति कर देते, देखो रन आउट ही थे लग जाते तो हां आउट था है ना, बैड मूड में भाई उस सरफेस पर मार दी रगड़ लगी होगी, सॉरी भाई रिजवान सरफेस पर रगड़ उस पर मुंह रगड़ता हुआ आ रहा है और सरफेस पर ही मार दी डाइव यार, मुंह नहीं हाथ ये नहीं मुंह भी ऐसे नीचे और इधर वो एफर्ट पूरा लगाता है रन आउट में, मुश्किल मैंने उनको शायद ही कभी रन आउट होते देखा है रिजवान, नहीं उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट जबरदस्त है, अरे अभी तो हुए थे यार अभी कितनी भी बात कर लो जितनी कंसिस्टेंसी उन्होंने T20 में रन बनाए न्यूजीलैंड वाली सीरीज में हुए थे 60-70 तो इन्होंने भैया जबरदस्त करे हैं ट्राई सीरीज में, शायद किसी ने डंडे में मार दिया था कंसिस्टेंटली, किसने मारा था यार याद नहीं आ रहा,
ये बढ़िया मार गैप निकाला। अरे यार ये था कि उनकी जो बस थोड़ा सा लेंथ पढ़ने की क्लास क्लास ऑफ बाबर। 10 गेंद में 7 रन रिजवान के और 7 गेंद में 4 रन बाबर आजम। खाता खुल गया भाई बाबर का इस टी20 वर्ल्ड कप में इस चौके के साथ। 3 ओवर में अभी जो लग रहा है 0 रन थे, 12 रन है पाकिस्तान के। इधर खाता खुल गया, विराट नॉट आउट है। विराट तो नॉट आउट चल रहे, तभी तो पूछा आपसे क्योंकि आपको थोड़ा सा नॉट आउट क्योंकि आंकड़ों का जो खेल है उसमें आपके भी कुछ आंकड़े आए थे, तो क्या फिर विराट बाबर हैं टी20 वर्ल्ड कप के, इसलिए आपसे जानना। विराट इस बार वर्ल्ड कप जिताएंगे। धीरे भाई डर गए एकदम से जैसे आपने कहा। क्यों मैंने कुछ अलग तो बोला? परफॉर्मेंस जो हमने देखा है, व्हाट अ फील्डिंग यार, एफर्ट 130 में ऐसे एफर्ट ऐसे ही चाहिए। भाई 130 को 145-50 बनाएंगे ना ऐसी फील्डिंग से। 3 ओवर 12 रन पाकिस्तान का स्कोर। अभी तक जो बॉलिंग करी है उन्होंने बढ़िया किया हुआ है, मतलब कि आपने बहुत ज्यादा नहीं दिया उनको, 3 ओवर 12 रन है। बट जैसे अब आपने कर दिया था अलाउ कि 2 ओवरों के अंदर एक एक करके दोनों ओपनर चल गए थे, वैसे एक खराब ओवर डालोगे वही 15-16 टाइप का, उनका भी प्रेशर रिलीज हो जाएगा। तो वो चीज नहीं करनी, अब ब्लेसिंग को जो है बैक करना है। विकेट वाला ओवर आ रहा है इस बार, ब्लेसिंग है जी, इस विकेट आ गया इस बार, ब्लेसिंग है जी बिल्कुल। जिम्बाब्वे को यार रोमांच हो जाए तो मजा आ जाए, मतलब ये है कि आखिरी ओवर तक मैच जाए तब एशेस का मजा आएगा। तब एशेस, तब आप कहोगे इसको एशेस। जैसे वो हो गया था कि यार वो आखिरी मैच जिमी एंडरसन खड़े हैं, ऋषभ द यूनिवर्स कैप्टन, आपसे पूछेंगे अगर मैं ग्रेटनेस कहूं तो आपको कौन सा प्लेयर आएगा दिमाग में, कोहली या रोहित? दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग, ड्रीम ऑफ लॉर्ड्स लॉर्ड केएल एंड किंग बाबर आजम ऑलवेज लेजेंड्स। उन्होंने जवाब भी दे दिया अपने आप ही, चेंज कर दिया, एवंस को लेकर आए हैं यार। ब्लेसिंग से ही करवाना नहीं चाहिए था, वो विकेट निकाल के देते। ब्लेसिंग थोड़ा लग रहा था ना, एक मैचअप भी बन रहा था, सबसे थ्रेटनिंग वही लगते हैं आपके इनकी बोलिंग में। एक थोड़ा सा कॉन्टेस्ट भी बन रहा था, हालांकि हो सकता है एवंस विकेट निकाल दे यहां पर हम सब गलत साबित हो जाएं, बट एक उस मैचअप के लिहाज से मजा आ रहा था देखने में। ब्रैडली एवंस, ब्लेसिंग है जी, ब्रैडली एवंस आए। आकाश क्या है ब्रैडली कूपर को जानते हैं? ब्रैडली एवंस शायद जानते हैं, और लॉरी एवंस जितना हम जानते हैं टीवी पे देख के उतना ही जानते हैं। लॉरी एवंस क्योंकि बढ़िया टच में रहते थे जो उन्होंने, वो सीधे मारे थे ना लगभग, मतलब कि फ्रंट ऑफ जो वो ज्यादा स्क्वायर तो जाते हैं। मैक्सिमम बैट्समैन को अभी बताऊं दिक्कत क्या आ रही, वही दिक्कत आ रही है कि भाई ऑस्ट्रेलिया के ट्रैक में जो बॉल उठ, ओ एवंस ब्रैडली एवंस विकेट वाला ओवर आ रहा है, बता दिया था भाई ने, और उनकी वही स्पेशल विकेट वाला ओवर आ रहा है, ये लेग कट रिस्ट डालते हैं बॉल, बताया था हमारे भविष्य का कुछ बताया था, देखिए मानना पड़ेगा और हम ऐसे ही करते कि भाई ब्लेसिंग को रख लीडिंग एज वहां पर, देखिए क्रेग इरविन ने और कैच भी बढ़िया लिया, बढ़िया फेस क्योंकि बैट का क्लोज हो गया रियान बर्ल ने, अब थोड़ा सा दबाव बनेगा। और बाबर का क्या करेंगे, मतलब ऐसे अरे होएंगे यार, अब आप कोई बात नहीं देखो, अब जो हम उस दिन बात कर रहे थे कि एशिया कप भी थोड़ा ऑर्डिनरी चली गया, अब टी20 वर्ल्ड कप की भी दो पारे होंगे, एशिया कप में एक छक्का नहीं था बाबर का, रोहित शर्मा से गले मिले थे, बाबर पे आभारी थे उस टाइम, उनकी बहुत ज्यादा उन्होंने मैचेस ज्यादा खेले तो उनके रन इसलिए 4-5 या 10-14 बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, बट इनके अब टॉप बाबर तो मुझे भी गलत साबित कर रहा है, मेरे को लगा यहाँ आगे रन बनाएगा, अच्छी टाइमिंग का खिलाड़ी है बाबर। नहीं अब इनकी गेम क्या अगली कौन सी वाली है, अगली क्या सीधे इनकी भी साउथ अफ्रीका वाली गेम है ये सुनील, क्योंकि इंडिया तो सब निकालेगा, इनका हो सकता है फिर वहां पर वो नेदरलैंड्स हो या फिर कुछ वैसा हो, क्योंकि फिर भाई ये भी चाहेंगे ना कि साउथ अफ्रीका आप जिस तरीके से खेल रही है इंडिया वाला गेम इनके साथ दिक्कत है ना, पहले में ये क्या एशिया कप में ज्यादा स्ट्रगल किसने किया, बाबर आजम ने किया, केएल राहुल ने किया, बाबर नहीं किया था, केएल राहुल फार बेटर है अभी तो एशिया कप और अभी को उठाओ तो केएल राहुल। पाकिस्तान विल फेस नेदरलैंड्स, नेदरलैंड्स है चलो, उनकी भी अलग रहेगी, क्लास से मारेगा वहां, उनकी राइवलरी क्लास है वहां पर, उनकी बायलेटरल ने नहीं देखा था राइवलरी चल रही थी, क्लास बायलेटरल क्लोज गया था, मैच क्लोज जा रहे थे उनके मैचेस वहां, क्लास से है और एक जो 140 वाले फेंकते हैं शान मसूद आ गए, ओए यार पूरी जान झोंक दे रहे फील्डिंग में लेके शान मसूद, बट पकड़ना चाहिए था इसको भी और बेहतर आना चाहिए था इस पर, यस अपसेट कर दो भाई, कल आपने गलत अपसेट कर दिया, आज कर देखो प्रेशर बन रहा है, 160 होता भाई वो जीती थी, ना ना देखो प्रेशर बन रहा है, अभी अगर वो रन होते ना आप सोचिए क्या दबाव होता इस टाइम पर, नहीं 10 रन फालतू है, रन रेट क्या पड़ जाता अभी कह रहे 10 रन फालतू है,
फिर उस दिन इनको फालतू के 10 रन जो है दो हिटों में काम हो गया था फालतू के। वो वैसे अब उस दिन भी सही बात हो गई थी, वो सही बात हो गई। क्या ये वही दिन तो नहीं, कम ऑन जिम्बाब्वे आज यार, यहाँ विकेट आ जाए रिजवान की। चलो चार ओवर तो यार मैटर हो जाएगा भाई, अगर ओवर डालना चाहिए मुजरबानी को। 36-34 सब करीब है अभी, वो टीम देख कर बताओ कितना। 37-3 बोला था, 37-3 एनगारवा या ब्लेसिंग, किसको चाहिए? ब्लेसिंग चाहिए, ब्लेसिंग आने चाहिए। ब्लेसिंग ब्लेसिंग है, बट ब्लेसिंग का जो मैचअप था वो तो निकाल ही दिया इन्होंने, कोई बात नहीं भाई। एनगारवा ने बढ़िया डाला था लेफ्ट आर्म से रिजवान के अगेंस्ट, आई थिंक वो बेटर रहेंगे। आकाश जी क्या कहते हैं? वो लेफ्टी के लिए भी अच्छा रहेगा वो। ये भी है शॉर्ट बॉल से पिछले मैच में सेटअप हुए थे ना, मुझे लगता है शॉर्ट बॉल से आप बाहर चली गई है, तो पार हो कुछ है ही चली गई यार, था ना एजली दिया था, मारा था छक्का चली गया। बट ये भी हुआ है कि टॉप एज टाइप मतलब कि बैट फेस क्लोज कर दिया, इस पे आउट भी हो सकते थे लेकिन एकदम नीचे खड़ी होने वाले ही बोले होते हैं यार, खड़ी हो गई है, बाउंस पर ही बीट हुए ना, वरना इधर की विकेट होती तो निकल जाती, बच गए जी रिजवान जी, वरना इन दो डबल ब्लो लग जाती इसी रन आउट में, भैया यहां तो गेम ही बन जाता शुविंद भाई। अब इस ओवर में विकेट दिलवाइए कैसे, विकेट तो दो रन जाता तब भी मैं मतलब ठीक है। ऋषभ देव यूनिवर्स कैप्टन कह रहे हैं, यू नो व्हेन मिस्टर बाबर एंड मिस्टर केएल आर ग्रेटर व्हेन दे प्रूव देयर क्रिटिक्स रॉन्ग, क्रिटिक्स ऑलवेज सेड केएल एंड बाबर स्कोर अगेंस्ट मिनो टीम्स नॉट एनीमोर। तो ये फुल मजे के मूड में चल रहे हैं ऋषभ देव यूनिवर्स कैप्टन, कह रहे हैं मिनोस के वर्सेस भी नहीं मार रहे पहले, लोग कहते थे ना बाबर जिम्बाब्वे के खिलाफ रन करते हैं, बस जिम्बाब्वे को ही मार दिया, देखिए सबको गलत साबित कर दिया बाबर ने, बाबर ने सबको गलत साबित कर दिया, आज सच में बता दिया केएल राहुल ने भी करा है, और केएल ने बोला कि मैं भी नेदरलैंड्स इसको नहीं मारूंगा, मैं नॉट आउट हूं फिर भी मैं चले जाऊंगा। आज तो सम्मान से उन्होंने समझौता नहीं किया यार, एटलीस्ट एक बार बताओ केएल राहुल ने अफगानिस्तान को तो मारा था ना, आपने तो वहां भी घुटने टेक दिए थे, और वही मैच आपका फंस गया था इस तरीके से यार, विकेट से ब्लेसिंग आए शायद है ना। हां जी, अब मुझे ये वहां विकेट आनी चाहिए, ये कहां विराट से कंपेयर करते हैं, हम तो केएल राहुल से नहीं करेंगे इनको, इन्होंने फॉर्म ट्रांसफर कर दी है, वो पहले विराट से मिले थे एशिया कप में, वहां 100 लगवा दिए, अभी रोहित शर्मा से मिलके हाजिर थे, एएमडी है कि उनके 50 लगवा दिए, अपग्रेडेड हिमसेल्फ फ्रॉम टुकटुक एकेडमी ऑफ केएल राहुल टू बिना रन करे आउट जाओ एकेडमी ऑफ बबूमा, शायद कह रहे हैं एएमडी भाई। अब वही देखो ना कि इतनी सारी चर्चा और ये सब चीजें, अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आई, और एक मैच जो सबसे बड़ी गेम आप मानकर चलते हो इंडिया गेम, उसमें आप पहली बॉल पर आउट हुए, और फिर जिम्बाब्वे पाकिस्तान को भी वही ना, एशिया कप से देखिए सारे मैचेस तो रिजवान उस तरीके से जितवा रहे हैं, मतलब अधिकतर में तो वही रन कर रहे हैं कि वो लगातार आपको दिखते हैं। इधर इन्होंने मारे थे एक मैच, बट उसमें भी इनकी कैच वगैरह छूटी थी जो न्यूजीलैंड वाला होता है, पूरा रोल उसी का होता था, ऊपर शतक भी आया था उनका ना भाई। सीधी सी बात है, आप हो चेज कर दिए थे, आप हो टीम के कैप्टन, आपका चलता है पाकिस्तान में नाम, ये है वो है दंड डिफर, पर बैटिंग अटैक तो आपका रिजवान लीड कर रहा है सारे मैच में, 10-11 ओवर तक तो ही खेल के जाते हैं रिजवान, और तब भी मतलब हालत थोड़ी सी टाइट रहती है, दिक्कत हो जाती है तब भी, लेकिन फिर भी उस तरीके से उनके लिए तो बेहतर ही रहता है। पर ब्लेसिंग के इस ओवर में आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की जो इंग्लैंड वाली सीरीज में एक शतक आया था, एक शतक और एक और पारी थी जिसमें इन्होंने कम रन रह गए थे, 80 जो ट्राई सीरीज में बाबर का ट्राई सीरीज में आई थी 250 आई थी, हाफ सेंचुरी तो नॉट आउट ही करी थी इन्होंने जितवाने, 250 करी थी इन्होंने, दो रिजवान ने करी थी, और वो भी था ना, ये पांचवा ओवर है, रन बॉल भी नहीं है अभी, मतलब 27 गेंदे हो चुकी है, रन 23 है, 130 रन चेज करना है, पांचवे ओवर में आप 23 अब गेम परफेक्टली, अब इधर से डंडी उड़ानी, डंडी उड़ानी, देखिए ये सुपर प्रेडिक्शन हो रही है यहाँ पे, किसने किया हो, किसी ने नहीं किया हो, नहीं करा उसमें, ऊपर से जो सबसे बड़ी विकेटें जो हम बात कर रहे थे, अगर इनके ओपनर्स आउट कर दोगे तो 130 वाली गेम भी बन जाएगी, तो अब मैच बिल्कुल परफेक्टली सेट सुन रहा था, मतलब मोहम्मद आमिर का एक वीडियो ऐसे फेसबुक स्क्रॉल करते हुए आ गया, वो कह रहे थे ना कि भाई रिजवान को लेकर ही, कि आप मतलब इस तरीके से अगर बैटिंग करें, ठीक है आपने मतलब बायलेटरल में अच्छा कर दिया,
पर अब जब वर्ल्ड कप आ गया थोड़ा सा आपको गेम ऊपर करना पड़ेगा। अब आप देखिए इतने ओवर खेल के चले भी गए, रन भी नहीं, पांच ओवर ऑलमोस्ट फोर टारगेट अभी है, पांच ओवर हो गया आपका, पांच ओवर हो गया भैया, आप अंडर प्रेशर हो, 170 160 180 ऐसा कुछ भैया, बैटिंग में हमने पूरा उम्मीद लगाई थी, मतलब आप प्रीव्यू में भी देख लीजिए, मिड इनिंग्स में भी हमने अभी जो बात करी, इनका भी दिन अच्छा नहीं रहा, क्या चीज छूटी है इनसे, वो भैया उन्होंने बैटिंग बहुत बुरी कर दी यार, आप रियलाइज करो, मैं कह रहा हूं 150 होता जिम्बाब्वे की तरफ से पूरा गेम, हमने ये प्रेडिक्ट क्यों नहीं क्यों करा था शुभेंदु भाई, 150 60 पे गेम हो जाएगी, हमने एक्सपेक्ट किया था ऐसा हो सकता है, और ऐसा नहीं कि खाली पीली मुजरबानी और नगारवा की बोलिंग देखकर, उधर जिम्बाब्वे के दर्शक देखिए आप, मैं कह रहा हूं ये विकेट वाले उससे बड़ा, यहां पर अभी विकेट आ जाए मैच हाथ में, तो क्या आप चाहते हैं क्या विकेट, बिल्कुल चाहते हैं, अभी थोड़ा सा वेट करके दिलवाते हैं यार, ये कौन सी बात हुई, अभी मैंने देखो तुरंत दिलवाया था विकेट, तो हमने तो अगली बॉल, तुमने तो उस ओवर में कहा था, हमने इस बॉल से पहले कहा बोल डोएंगे, जिम्बाब्वे को सबसे पहले ढूंढा किसने था, किसको भी मजाक उड़ा दिया था आपने, यार देखिए आप तो लीग से लेकर आते हैं, जब इंडिया वाली सीरीज हुई थी मैंने कहा जिम्बाब्वे अच्छी टीम है, आप गलत सोच रहे हैं, आपने जिम्बाब्वे प्रीमियर लीग में वहां पे कप्तानी भी की है, अच्छी टीम तो है, पर आज भी देखो मतलब उन्होंने यही जो कोलैप्स कर दिया, ये तो यार अब क्या ही बोलो, बढ़िया इनके बॉलिंग अच्छी है, इनके अब दोनों लीडिंग रन गेटर्स खेलने पर देखिए, मिनी रवाड़ा इनके इस लाइनअप के जो लीडिंग रन गेटर्स हैं भी दोनों के दोनों भाई, दोनों में आपसे नहीं है, ये इनको ऐसे ही डब करते हैं रवाड़ा, पहले तो हमें भी नहीं दिखी कि बोल्ड हो गए क्या हुआ भाई, मजेदार मुझे हल्का सा लगा कि फ्लैश हुआ वो कुछ, बट उसके बाद क्योंकि बॉलर को भी लगा कि यार इनको खुद नहीं लगा शुरुआत, हाँ बट फिर जो एकदम से लाइट फ्लैश होने लगी ना पीछे से तो समझ गया कि गिल्लियां बिखर गई वहां पर, खुशी की लाइट थी, और जिम्बाब्वे के दर्शक देखे जो मिस्टर बीन वाला पूरा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद कितने जो ये देखे जोश में, कितने कम ऑन जोश में पूरे, बढ़िया मजा आ जाएगा यार, 4.76 चल रहा है रन रेट रिक्वायर्ड, 7 पार कर चुका है, अब थोड़ा सा दबाव अगर ये और बनाएंगे, ओए बढ़िया बॉल, ब्लेसिंग्स, क्या ही वर्ल्ड कप खेलने गए हैं यार ये, मिस्बा बनकर आ गए, 5 ओवर 23 पर 2 भाई, प्रेशर पूरा बना दिया, 130 में जो आपको आइडल स्टार्ट होता है ना वो आपको दे दिया है यहां पे, यार लेकिन वही है ना, हाउ मच यू सेड पाकिस्तान के जो 36 for 45 for 0 आपका हो सकता है अगर विकेट आ गई 37 for 3 अगर विकेट आ गई तो फिर आपको ये प्राइस देना पड़ेगा, हर कोई आपका माथा चूम के विकेट विकेट हो गई आएगी नो वरी, अब एवांस ही आएंगे, एवांस को आना चाहिए भैया, पिशावर एवांस से विकेट चाहेंगे, पाकिस्तान इन ट्रबल, भाई देखो हम तो चलो अपनी अपना हमारा ओपनर्स का हुआ, इनके तो ओपनर्स वगैरह सही चल रहा था ना मामला, इनकी ओपनिंग पेयर में क्या हो गया, अब इनका जो नहीं चल रहा था मिडिल ऑर्डर वो चल रहा है अभी, वो आपको बचा रहा है थोड़ा बहुत, पिछले मैच में इन्होंने ही थोड़ी सी यहाँ पर पार्टनरशिप लगाई थी, बारिश आ गई तो वही, बढ़िया फील्ड है भाई, बढ़िया एफर्ट है, पर क्योंकि देखो आप ये देखो यही सब चीजें हैं ना, देखो यहाँ पे 130 में ये मैच यार ये ना उन लोगों ने देखो एक अलग ही जोश आ रखा है, सिकंदर रजा के ये डाउन हो रखे पाकिस्तान वहां पर, नरेन बोले ना आप सिकंदर रजा को, नरेन आते हैं वो बॉलिंग कर रहे हैं ना, सिकंदर रजा की ड्रेस पहन के हैं, सारी बॉल डाल देते हैं, कैरम डाल देगा, इधर डाल देगा, इधर डाल देगा, छुपा के डैनी और सुनील बद्री पहुंचे हुए वहां पे, डैनी मोरे सुनील बद्री आप बोला था नाम दिया आउट बच गए, डैनियल मोरे डैनी मोरे नहीं डैनी मोरिसन, प्यार से थोड़ा शॉट में बुलाते हैं ना, इसी ओवर में एक विकेट चाहिए सुनील जी, एक आपसे देख लो आप भी कुछ करें, यहाँ पर सब लोगों ने विकेट दिया, थोड़ा सा आपके भी कॉन्ट्रीब्यूशन डाले, मुझे आपसे ही लग रही है वो विकेट, आप ही मतलब हैं चमत्कारी, हो जाए फिर इस ओवर में, पर इफ्तिकार आके आगे तो फिर और दबाव बनेगा, क्योंकि इफ्तिकार एलबीडब्ल्यू करें इनको, इफ्तिकार कभी भी चौके छक्के मार देते हैं अचानक से, यही देखते हुए इतनी सच बताओ, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया का एल क्लासिको चल रहा है ये राउंड, ऑस्ट्रेलिया जिस तरह हारा न्यूजीलैंड से अनएक्सपेक्टेड था कि वहां पे इंग्लैंड आयरलैंड से जो किया उन्होंने, इंग्लैंड आयरलैंड ने चुक किया यार, मतलब यार टी20 वर्ल्ड कप क्या खेल रहे हो यार, और देखिए पूरा कितना डाइव मार, एफर्ट देखो एफर्ट, मतलब ऐसा लग रहा तैयारी करके इंडिया जिम्बाब्वे ये सब कर गया और फील्डिंग से ये इतने डर गए हैं, 150 नहीं ये तो मजेदार, फील्डिंग से इतने डर गए रन भी नहीं ले रहे भाई, शॉक है, टेंशन में है, अभी तक अपनी साउथ अफ्रीका ने बेइज्जती नहीं कराई है, मैं कह रहा हूं हो सकता है पाकिस्तान आगे जीत इस मैच जीत भी जाए
हालत उनकी खराब हो रही है भाई, जब साउथ अफ्रीका के सामने आएंगे टेंशन में। तुम लोग बस मेरी साउथ अफ्रीका पे टोटका मत डालना, ठीक है? वो बस एक दिन अच्छी टीम पे नहीं चलता हमारा, वो अपने आप कर लेती है। इंडिया वाले तुमने आज भी टोटका डाल रखा था उसमें, तो रूसो ने मार दिया 100। अरे यार ये थोड़ा सा, ये दो मैंने चौका नहीं जाना, दो रन, दो रन तेज पे रोक देंगे भाई, दो दो जबरदस्त यार। वो मेरे ख्याल से पीछे से मदद दे रही थी, उन्होंने बाउंड्री खींच रखी, मदद दे रही ने किया खाली क्षेत्र पति है यार ये जोंग ने तो कर दिया काम सही। अरे वो आए भागते हुए और वहां पर ये जो साइकिल लगा के चले गए, विराट कोहली एक वुमन वाला वो मीम देख रहा था, इनको लगा बाउंड्री दूर है। वुमन क्रिकेट में है भैया, एक वो होती है वो क्रिकेटर, वो ऐसे हट बहुत अच्छी सेव करती है और फिर बाउंड्री के बाहर होती है, बॉल को ऐसे पकड़ लेती है बाउंड्री के बाहर ऐसे बैठ के, और एक फेंकने वाला भी तो है। वो तो अल्टीमेट है, पैर से लग के वो, अरे वो बाउंड्री के अंदर गिर जाती है बॉल, यहाँ पे ऐसे ये देखो इनको लगा वो बेचारे इतनी मेहनत की टहल रहे वहां पे, इनको लगा इतना तो खाली है। तो फिर क्या करना था कि बाउंड्री को जैसे कैच आ रही है हवा में, पहले बाउंड्री पीछे खींचो और फिर कैच पकड़ो। यार माधवीरी तो शायद मदवेरी थी शायद, हाँ उनके हेयर स्टाइल से तो वही लग रही थी जो उनका कूल लुक है। क्या है यार 28 पर अब आकाश के करीब स्कोर, आकाश के कैसा 32 पर दो नहीं 34 पर 34-2 पर तीन अगर कर दे तो सुनील जी क्लियर विनर हैं। सुनील से ये भी बोला था ना कि विकेट निकलवाने की यहां पर कर रहे थे कुछ कोशिश। अरे यार नहीं आई, चलिए बढ़िया, चलिए फिर इजाजत लेते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने करना है, sportsari.com जो वेबसाइट है वो भी विजिट करनी है, कुछ भी फीडबैक को पहुंचाना है हम तक, और सोशल मीडिया पर फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम हर जगह जुड़ें और कुछ भी फीडबैक को पहुंचाना जरूर। सिनेमा बीस्ट को भी सब्सक्राइब करें। अभी चलते हैं, जय हिंद जय भारत।